हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम आगे देखते चल रहे हैं, तो अब हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, संविधान सभा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान संशोधन, नागरिकता, तो बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आप सीक्वेंस में देखते आइए। तो इसमें हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आप समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ही हमारा रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो जैसा कि राष्ट्रपति के नाम से सभी काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि अमेरिका में मोस्ट पावरफुल पर्सन राष्ट्रपति को माना जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे मोस्ट पावरफुल जो पर्सन है वो प्रधानमंत्री, रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री ही होता है। कार्य बस राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो हमने जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, तो वहाँ पे एक किंग होता था, वहाँ पे हायरार्की ही चली आ रही थी। वहाँ पे जब धीरे धीरे संसद पावरफुल हुई, तो वहाँ पे PM धीरे धीरे मतलब पावरफुल हो गया। जैसे संसद पावरफुल हुई, तो धीरे धीरे वहाँ के किंग और क्वीन जो भी होती थी, उनके पावर को कम किया गया। लेकिन वहाँ पे एक कन्वेंशनली ऐसा नहीं किया गया कि बिल्कुल ही जो राजा, किंग और क्वीन है उनको हटा दिया जाए। तो इस वजह से उनके इज्जत और सम्मान के लिए ऐसा बनाया गया कि जो भी क्वीन और किंग है उनके नाम से ही सब कुछ होगा, लेकिन एक्चुअल पावर जो होगा प्रधानमंत्री का होगा। उसी तरह हमने अपने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया। रियल पावर तो हमने प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, लेकिन अब जैसे वहाँ पे किंग एक पद था, तो वैसे ही हमने यहाँ पे एक राष्ट्रपति का पद बना दिया। सेम प्रोविजन लगभग सेम ही है वहाँ। अब हम देख लेते हैं इसको आर्टिकल 74 में क्या दिया है। राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रमुख जो होगा प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 से ही प्रेसिडेंट का पावर बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि यहीं पे दिया गया है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका हेड जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और यहाँ पे दिया गया है, देखिए अभी मैं बता देता हूँ, 42वां अमेंडमेंट 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना बाध्यकारी बना दिया गया था। ये मैंने जब प्रेसिडेंट को बताया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये प्रोविजन के बारे में कि मंत्री परिषद जो भी सलाह देगी प्रेसिडेंट को, तो वो मानना बाध्यकारी बना दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई, तो इसमें ये प्रोविजन किया गया कि 44वां अमेंडमेंट 1978 द्वारा कि एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। आर्टिकल 74 में ये जोड़ा गया। तो अब एक बार राष्ट्रपति अगर कोई भी सलाह देता है मंत्री परिषद, तो एक बार पुनर्विचार के लिए बोल सकता है कि मतलब मुझे सस्पेंस है इस सलाह पे, एक बार आप इसको कृपया फिर से सोच। लेकिन अगर मंत्री परिषद फिर से उसी निर्णय को फिर से भेजती है कि नहीं इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो उस बार राष्ट्रपति को मानना ही। तो आर्टिकल 74 ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसका कोर्ट में सलाह नहीं किया जा सकता है। तो मतलब कोर्ट में सवाल नहीं किया जा सकता इसका। तो जो प्रधानमंत्री मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है, तो इसके थ्रू आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति कोई एक्शन नहीं लेता उस पे, मतलब जो सलाह दिया गया है वो काम नहीं हो जाता, उसके बाद आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पहले ही नहीं, आप सलाह के रूप में कि प्रधानमंत्री ने ऐसा सलाह दिया है राष्ट्रपति को, आप इसको निरस्त कर दे, पहले एक्शन होगा तभी उसका चेक किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कि योग्यता क्या है PM बनने के लिए। योग्यता तो इसमें आप समझ लीजिए कि वह एक मंत्री ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास होते हैं एक में, तो क्लास में स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट में एक मॉनिटर बनाया जाता है, वैसे ही PM होता है। तो क्लास में एक जो सबसे तेज बच्चा होता है या फिर सबसे जो नामी होता है, उसको एक मॉनिटर बनाया जाता है, होता वो भी स्टूडेंट ही है लेकिन उसको मॉनिटर बनाया जाता है, वैसा ही PM है। तो वो लाइक एक मंत्री ही, योग्यता संसद का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको 6 महीने में बनना होगा। अब उसको संसद का सदस्य हो या ना हो, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर में राज्यसभा या लोकसभा किसी का एक सदस्य बनना हो। और आयु सीमा इसमें 25 वर्ष है, तो राज्यसभा में सदस्य के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है और यहाँ पे लोकसभा में 25 वर्ष, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है और राष्ट्रपति इनको दिलाते हैं। क्यों गोपनीयता? क्योंकि मेनली जो भी चीजें होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में होती हैं, तो ऐसा कोई भी जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो कहीं लीक ना हो जाए, इसी वजह से इनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। क्योंकि जो भी परमाणु से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये भी PM के अंडर में ही होती हैं। और जो भी IB, रॉ वगैरह होते हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये सब सीधे प्राइम मिनिस्टर को ही जवाबदेह होते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं NSA वगैरह का, इन्हीं के पास आता है सबसे पहले। तो इनको इन सब इंफॉर्मेशन का गोपनीयता रखनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो इस वजह से इनको
को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और अब हम देख लेते हैं पीएम का पद और कार्यकाल निश्चित नहीं होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन जब तक लोकसभा में बहुमत है राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। तो यहाँ पे अब ये बात समझ लीजिए कि कार्यकाल निश्चित तो नहीं है, जब इलेक्शन होता है और मान लीजिए कि लोकसभा में जो भी राजनीति पार्टी जीत के आती है जिसकी सीट सबसे ज्यादा होती है, राष्ट्रपति की यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं चलेगी। अगर लोकसभा में उस पार्टी को बहुमत है तो जो पार्टी बोलेगी उसी को ये पीएम नियुक्त कर सकते हैं, यहाँ पे अपना ये खुद का मन का नहीं कर सकते हैं, जिसकी लोकसभा में बहुमत है उसी को चुनना होगा। मतलब कि अगर कार्यपालिका को जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक राष्ट्रपति या फिर कोई नहीं हटा सकता, जब तक उसको कॉन्फिडेंस है लोकसभा का तब तक नहीं हटाया जा सकता है। इंदिरा गांधी के मृत्यु के पहले तक ये प्रोविजन था कि अगर प्रधानमंत्री का डेथ हो जाता है तो पूरा मंत्रिपरिषद मतलब लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी और फिर से केयर टेकर गवर्नमेंट लेके री इलेक्शन करना होगा और फिर नई लोकसभा गठित होगी। लेकिन एक कन्वेंशन हुआ कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बना दिया गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति के पास, लेकिन जब तक लोकसभा में बहुमत है अगर किसी पार्टी को तब वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं कर सकते यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो वो कन्वेंशन था जो राजीव गांधी वाला हुआ, एक बार उस कन्वेंशन को तोड़ा गया वहां पे, क्योंकि स्पष्ट नहीं था कि क्या करना है, लिखा नहीं है अनुच्छेद में। लेकिन ये अनुच्छेद में लिखा गया है कि जब तक लोकसभा में अगर कार्यपालिका को बहुमत है तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। वो तभी कर सकता है जो मैंने राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो बताया था कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस वो खो चुकी है लेकिन वो आना नहीं चाहती संसद में, तो इस मौके पर राष्ट्रपति लोकसभा का डिजॉल्व कर सकता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं आर्टिकल 75 को। इसमें दिया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। कोई इच्छा नहीं होती है यहाँ पे राष्ट्रपति की, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने टीम को बनाते हैं, जिसको हम मंत्री परिषद बोलते हैं, उस टीम को बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री जिसको चाहे जिस पद पे नियुक्त करने को राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति को करना ही हो। और आर्टिकल 77 देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। तो मंत्री के विभागों में कार्यों का आवंटन और नियम राष्ट्रपति बनाता है। तो जो भी नियम वगैरह होते हैं वो राष्ट्रपति बनाता है। अब राष्ट्रपति कोई भी काम अपने मन से नहीं करता, वो मंत्री परिषद के कहने पर ही काम करता है, मेनली मंत्री परिषद कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 78 के बारे में। प्रधानमंत्री का दायित्व है राष्ट्रपति के मांगे जाने पे देश के प्रशासन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि अगर राष्ट्रपति मांगता है प्रशासन के विषय में जानकारी तो उसे उपलब्ध कराना ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति होता है कि राज्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि आपने राष्ट्रपति चुनाव में देखा था कि हर एक MLA भी वोट करते हैं। अब जो भी सेंटर मान लीजिए कोई भी प्रशासन वगैरह चलाती है तो वो राष्ट्र को भी इफेक्ट कर सकता है। तो अगर वैसा कुछ हो रहा हो तो राष्ट्रपति इसके बारे में सूचना मांग सकता है। और राष्ट्रपति विधि निर्माण के बारे में जानकारी चाहे तो PM को उपलब्ध कराना होगा। तो जैसे कि जो भी लॉ बन रहा है इन सब को लेके अगर जो भी राष्ट्रपति को जानकारी चाहिए तो इसको PM को उपलब्ध कराना होगा, ये उनका कर्तव्य है। और किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए मंत्रिपरिषद में बोल सकता है राष्ट्रपति। तो जैसे कि कोई भी विषय हो जरूरी स्टेट वगैरह से रिलेटेड तो वो बोल सकता है कि इसको मंत्रिपरिषद में चर्चा करिए, अगर हो सके तो इस पे लॉ या बिल पास करिए। तो ये राष्ट्रपति बोल सकता है प्रधानमंत्री। और मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है और उनका फेरबदल करता है। तो ये सब राष्ट्रपति करता है मतलब प्रधानमंत्री के कहने पे, वो खुद से नहीं करता। और किसी भी मंत्री को त्याग पत्र अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करवा सकता है। तो PM जो होता है वो किसी भी मंत्री को त्याग पत्र अथवा बर्खास्त करा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि लोकसभा सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर लोकसभा का बहुमत मंत्रिपरिषद खो देती है तो मंत्रिपरिषद में पूरे 272 से ज्यादा लोग आते हैं, जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उसके आधा से ज्यादा लोग को मिला के मंत्रिपरिषद बनती है। तो आने वाली मतलब आगे हम देखेंगे उसके बारे में बहुत अच्छे से। जब तक 272 लोगों का बहुमत है तभी तक लोकसभा में मंत्रिपरिषद रहती है। अगर जिस दिन बहुमत खो जाती है, 272 का बहुमत नहीं है, तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा लोकसभा। तो इसी वजह से किसी भी मंत्री को त्याग पत्र अथवा उसे बर्खास्त करने का करवा सकता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि
डिसीजन एक साथ ही लिया जाता है। इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं उसमें पूरे मंत्रिपरिषद को जो भी डिसीजन लेना होता है उसमें सहमति देनी पड़ती है सभी सदस्यों को, क्योंकि अगर एक मंत्रालय के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसी वजह से अगर जो मान लीजिए कि मंत्री या फिर मंत्रालय के जो सदस्य हैं अगर वो किसी विषय पे सहमति नहीं कर रहे हैं तो पीएम उन्हें त्याग पत्र या फिर बर्खास्त करा देता है ताकि पूरा लोकसभा ही ना जाए, क्योंकि एक लोगों के वजह से, एक मंत्रालय के वजह से पूरा या फिर एक मंत्री की वजह से पूरा लोग मतलब मंत्रिपरिषद ही जा सकती है। इस वजह से इनको त्याग पत्र या बर्खास्त करा के उस जगह पे दूसरे आदमी को लाया जाता है वहां, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निर्णय को प्रभावित करता है, तो ये सब पीएम के काम। अब हम आगे देख लेते हैं और क्या प्रोविजन, और यहाँ पे है कि पीएम मतलब पद से त्याग पत्र देके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। तो अगर एक मंत्री को बर्खास्त किया जाता है तो पूरा मंत्रिपरिषद नहीं जाएगा, लेकिन अगर पीएम त्याग पत्र या फिर पीएम को कुछ होती है तो पूरा मंत्रिपरिषद जो होती है मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो पूरा डिजॉल्व हो जाए और फिर से या फिर उसी मंत्रिपरिषद को दूसरे नेता के द्वारा लेके आ सकते हैं या फिर नया री इलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन एक अगर मंत्री, अब हम आगे देख लेते हैं, इसमें जब भी पीएम त्याग पत्र देता है या फिर मृत्यु हो जाती है अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते, मतलब मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। तो जो मैंने अभी ऊपर बताया भी कि अगर पीएम त्याग पत्र दे देता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा मंत्रिपरिषद ही विघटित हो जाता है, लेकिन अगर एक मंत्री को कुछ होता है तो उसमें बस एक सीट वैकेंट होता है जिसे दूसरे मंत्री द्वारा भर दिया जाता है, लेकिन पीएम अगर त्याग पत्र या मृत्यु होती है तो पूरा मंत्रिपरिषद ही डिजॉल्व हो जाता है। आप उसमें या फिर आप उसी मंत्रिपरिषद को एक नया नेता चुन के राष्ट्रपति पीएम बना सकता है या फिर री इलेक्शन द्वारा फिर से नया लोकसभा में मंत्रिपरिषद। कोई और मंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से बस एक रिक्तियां होती है, तो मैंने ऊपर बताया भी कि बस एक सीट खाली होता है। और योजना आयोग अब नीति आयोग है का राष्ट्रीय विकास परिषद ETC का अध्यक्ष पीएम ही होते हैं और विदेशी नीति निर्धारण पीएम के द्वारा ही होता है। तो किस देश से कैसे संबंध रखने हैं तो वो पीएम ही निर्धारित करता है। तो जैसा आप देखते भी हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो राष्ट्रीय नीति कुछ और हो जाती है और बीजेपी की सरकार आती है तो राष्ट्रीय नीति कुछ और आती है, तो वो पीएम पर डिपेंड है कि कैसी हमें राष्ट्रीय नीति रखनी है। तो जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो आप देखेंगे कि इजराइल से हमारी दूरी बढ़ने लगती है, लेकिन जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो इजराइल से हमारी नजदीकियां ज्यादा बढ़। तो ये उन लोगों पे डिपेंड है कि किस देश से वो कैसा संबंध रखना चाहते हैं वो पीएम जानते हैं। और केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है, तो जो भी विषय नीति योजना जो भी चीजें होते हैं तो आप हमेशा पीएम को भाषण में देते सुनते होंगे। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है हर एक नीति निर्धारण, कब नोटबंदी करना है, तो जैसा कि आपने देखा था कि नोटबंदी कर दिए, कब आके तुरंत लॉकडाउन कर दिए, तो ये सब पीएम ही कर सकते हैं और वो ही अनाउंस कर सकते हैं आके, तो वो प्रमुख प्रवक्ता भी होते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिकल 352, आपातकाल मंत्रिपरिषद के लिखित पर ही लगेगा राष्ट्रीय आपात। जो राष्ट्रीय आपात है वो मंत्रिपरिषद जब तक राष्ट्रपति को लिख के नहीं देती तब तक नहीं लग सकता है। तो ये हम देखेंगे अच्छे से बिल्कुल जब राष्ट्रपति मतलब आपातकाल पढ़ेंगे उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा आपातकाल के बारे में। तो जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दी थी मतलब बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के खुद के मन से, तब ये प्रोविजन आया कि पूरा मंत्रिपरिषद लिखित देना होगा राष्ट्रपति को तभी जाके आपातकाल लगे। तो मंत्रिमंडल पीएम सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो जब हम मंत्रियों का डिवीजन देखेंगे जैसे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो कैबिनेट मंत्री सहित पीएम सहित कैबिनेट मंत्री से मंत्रिमंडल बनता है, तो मेनली डिसीजन यही लेते हैं, जो भी बड़ा डिसीजन होता है यही लेते हैं, इसे ही हम सरकार बोलते हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था। और पीएम किसी भी सदन से आ सकता है, बस उसे MP होना चाहिए। अब पीएम राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से आ सकता है। तो ब्रिटेन में ऐसा है कि पीएम हमेशा निचले सदन से ही होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी पीएम हो सकते हैं, बस जो पार्टी जीत के आई है उसका सपोर्ट होना चाहिए उसको। और मनमोहन सिंह राज्यसभा से 10 वर्ष रहे थे और इंदिरा गांधी भी रह चुकी हैं और HD देवगौड़ा भी राज्यसभा से ही पीएम बने। तो जो भी सदस्य लोकसभा में नहीं जीत पाते उनको राज्यसभा से बाईपास करके लाया जाता है और पीएम बनाया जाता है। तो वो जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा जब उसका फीचर, तो उसमें हम देखेंगे कि उसका क्या मेरिट है डिमेरिट है उधर से लाने का,
बाईपास करके सदस्यों को। अब हम आगे देख लेते हैं, सांसद और विधायकों के लिए कोई शिक्षा योग्यता नहीं है। तो जो भी सांसद हैं और विधायकों के लिए कोई शिक्षा योग्यता की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, ये पॉपुलर लोग होते हैं। तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि हम अपने जो हमारी शक्ति होती है जनता को, तो वो हम पॉलिटिकल लोगों को दे देते हैं, और पॉलिटिकल आदमी जो होता है वो अपना कर्मचारी रखता है। तो जैसे कि कर्मचारी में आईएएस आईपीएस इन लोगों को पॉलिटिकल जो भी हैं वो अपने मदद के लिए रखते हैं, देश चलाने के लिए रखते हैं। तो मेनली काम वही लोग करते हैं, ये लोग बस सुझाव वगैरह उनको देते हैं, और जो भी मेनली डिसीजन होते हैं तो लगभग वही लोग लेते हैं। डिसीजन पॉलिटिकल लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मेनली एनालिसिस करने का काम उन्हीं का होता है। जो भी नए नए स्कीम आते हैं तो बना के जो ऑफिसर होते हैं वही देते हैं, ये लोग बस डिसीजन लेता है वहाँ। और आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल 263 में क्या दिया है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद ये सब हम सेंटर स्टेट जब रिलेशन देखेंगे तो उसमें अच्छे से हो गई। तो ये मैंने लिख भी दिया है पीएमएलआई के क्लास मॉनिटर, जो मैंने ऊपर अभी बताया अभी कि है तो ये भी स्टूडेंट लेकिन क्लास का मॉनिटर है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रधानमंत्री सचिवालय और कार्यालय, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इतने कार्य होते हैं तो वो सब कार्य खुद से थोड़े ही करते हैं, कि जैसे कि जो प्लान बनाना, अब यहाँ पे ये काम है, ये योजना देना है, यहाँ पे भाषण देना है, वहाँ पे जाना है, उनके साथ मीटिंग है, उस देश के साथ मीटिंग है, उस देश के साथ जैसे फॉरेन कंट्री में पीएम जाते रहते हैं, तो ये सब काम के लिए मदद के लिए ये सचिवालय है, पीएम सचिवालय। पीएम को स्टाफ सहायता के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, पीएम के कार्यपालक के रूप में सभी उत्तरदायी का निर्वहन और संयोग करता है, तो उनकी मदद के लिए है ये। और पीएम को योजना आयोग, अब नीति आयोग आदि के उत्तरदायित्व का भी में सहायता करता है। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते थे, अब योजना आयोग का जो भी काम नीति आयोग के अंडर में आ गया है तो वो सब रिलेटेड काम भी पीएम ही करते हैं, तो उनके मदद के लिए ये सचिवालय है। तो पीएम का जो भी काम है उनकी मदद के लिए ये सचिवालय है। जनता से संपर्क स्थापित करना, राज्य सरकारों से संबंध में सहायता प्रदान करना, तो राज्य सरकार की भी बहुत सारी काम होती है जो कि पीएम के द्वारा होता है। पीएम से बात करना है, कब किस राज्य को कैसा मदद करना है, तो ये सब सचिवालय बहुत मदद करता है। और एक होता है कैबिनेट सचिवालय, तो ये एक पीएम के अंडर में होता है। एक होता है कैबिनेट सचिवालय, पूरा मंत्री मंडल के मदद के लिए होता है, उसमें तो मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य होते हैं उनको एक एक मंत्रालय दिया जाता है, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो ये सब मंत्रालय दिया जाता है। तो उन सब की मदद के लिए कैबिनेट सचिवालय होता है, और प्रधानमंत्री के बस स्पेसिफिक मदद के लिए पीएम सचिवालय होता है। तो कैबिनेट सचिवालय में कैबिनेट सचिव के अधीन है, तो ये थोड़ा सा मैं अंतर बता रहा हूँ यहाँ पे। और कैबिनेट सचिव के अधीन पीएम को कैबिनेट संबंधित कार्य में मदद, जबकि पीएम सचिवालय पीएम के निजी सचिव के अधीन कैबिनेट से बाहर के सभी कार्य में मदद करते हैं। तो अब जैसे पीएम ये कैबिनेट सचिवालय है, तो पीएम का काम एक पूरे मंत्रिमंडल से रिलेटेड भी है, तो उसमें मदद के लिए कैबिनेट सचिवालय होता है, और पीएम के पर्सनल मदद के लिए प्रधानमंत्री सचिवालय होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको अंतर बता दिया। तो ये पूरा पीएम का टॉपिक है। मोस्टली जो पावरफुल सबसे देश में माना जाता है वो पीएम को माना जाता है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे पावरफुल इंसान है, वैसे ही हमारे देश में पीएम सबसे पावरफुल मतलब एग्जीक्यूटिव हेड है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। थैंक यू।